दोस्तों, सॉफ्टवेयर बग जिसे नॉर्मली बग कहते हैं, वो क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में कहूं तो बग एक एरर, फ्लॉ या फॉल्ट होता है जो एक वेबसाइट या ऐप को ठीक से रन होने से रोकता है। मतलब वो उसे वैसा रन होने नहीं देता जैसा उसे रन होना चाहिए। अब ये एरर या फॉल्ट उसके डिजाइन में हो सकता है या डेवलपमेंट में हो सकता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट में आपको काफ़ी बार बग रिपोर्ट्स से डील करना पड़ सकता है। बग रिपोर्ट्स, टेस्टर्स बग्स को रेस करेंगे जो उनको सॉफ्टवेयर टेस्ट करते वक्त मिलेंगे, और आपको एज ए डेवलपर उन बग्स को फिक्स करना होगा। लेकिन पहले चेक कर लेना कि वो बग है भी या नहीं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, बग्स नहीं भी होते हैं तो भी वो रेस कर देते हैं। गलती एनालिस्ट की होती है। आगे जानेंगे इसके बारे में। बग्स को फाइंड और करेक्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं। ओके, डीबगिंग। डीबगिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, बग्स सिर्फ कोड में की गई गलती नहीं होती, एनालिस्ट द्वारा रिक्वायरमेंट में की गई गलती भी हो सकती है। जैसे एक एप्लीकेशन है और उसे टेस्ट करते हुए टेस्टर ने यह पाया कि वो बिना एरर के चल रहा है, लेकिन फंक्शनैलिटी लॉजिकल नहीं है, मतलब डिजाइन के अनुसार नहीं है, तो वो टेस्टर एक बग रेज करेगा, लेकिन उसमें डेवलपर की गलती नहीं होगी, वो तो उस एनालिस्ट की गलती होगी, बिजनेस एनालिस्ट की, जिसने उसे रिक्वायरमेंट में गलत तरीके से लिख दिया। तो अब वो एनालिस्ट उस रिक्वायरमेंट को ठीक करेगा और डेवलपर को पास ऑन करेगा। लेकिन आप सिंपल शब्दों में सिर्फ ये याद रखो कि बग एक एरर, फ्लॉ या फॉल्ट होता है जो एक वेबसाइट या ऐप को ठीक से रन होने से रोकता है। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए। धन्यवाद।